हेलो बच्चों, मैं रिंकी वर्मा फ्रॉम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी साइंस टीचर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। इसलिए हमारे स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि बच्चों की पढ़ाई को यूट्यूब के माध्यम से जारी किया जाए। इस क्षेत्र में मेरा पहला ये वीडियो है। मैं क्लास 4 का साइंस पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, जिसमें चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। और इस चैप्टर में आज आपको पढ़ना है फूड एंड डाइजेशन। तो डाइजेशन से पहले हमें इस फूड को जानना है कि ये फूड क्या है। जैसा कि आप सब पहले से भी पढ़ के आए हैं, फूड एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें पूर्ण रूप से पोषण देता है सभी कार्यों को करने के लिए। और यह फूड हमें विभिन्न भोज्य पदार्थों के माध्यम से मिलता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि भोजन क्यों आवश्यक है। भोजन में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसे कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये सारे कंपोनेंट्स हमें विभिन्न कार्यों को संपादित करने में मदद करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पहले हम ये जानते हैं फूड का डिफिनेशन, फूड क्या है, व्हाट इज फूड। तो पहले फूड के डिफिनेशन को आप नोट कीजिए। फूड इज केमिकल सब्सटेंस, मैंने पहले एलिमेंट बोला, सॉरी इसके लिए। फूड इज केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन को जानेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण, और पोषण हमें विभिन्न कंपोनेंट्स के माध्यम से ही होता है, हमारे शरीर को शरीर कंपोनेंट्स के माध्यम से होता है। अब हम फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, जिसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं। और ये कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन जो है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड, यह हमारे शरीर में न्यू सेल्स का निर्माण करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों इनर्जी गिविंग फूड है, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट गिव अस एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है वह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमारे शरीर को अधिक एनर्जी देता है, लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। अधिक मात्रा में लेने से यह हमारे शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट होता जाता है, जिसके कारण ओबेसिटी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अतः फैट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा तुलना में बहुत ही कम मात्रा में भोजन में सम्मिलित होना चाहिए। अब हम तीसरे फूड कंपोनेंट्स को जानेंगे, ये है प्रोटीन, जिसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर से ग्रोइंग एज के चिल्ड्रंस के लिए और वैसे व्यक्ति जो मेंटली काम करते हैं। अब फूड का अगला कंपोनेंट्स है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलता है। इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करता है, इस कारण इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अब हम जानेंगे कि बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट उस डाइट को कहते हैं जिसमें भोजन के सारे कंपोनेंट्स एक साथ मौजूद हैं। इसको नोट कर लो, तो मिटा देते हैं तब के लिए। क्लियर करो, बोल को क्लियर करो। आप लोग वीडियो को पॉज करके कृपया डिफिनेशन को नोट कर लेंगे। अभी हमने अभी बताया न्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन, उसके बाद आप लोग नोट करें कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट फूड में पहला कंपोनेंट आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, इन दोनों को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तीसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, जिसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। चौथा कंपोनेंट है विटामिन, और इसके साथ ही हमारे भोज्य पदार्थों में मिनरल्स भी पाया जाता है। ये दोनों हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वैसे भोजन को कहते हैं जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स एक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप
वैलेंस टैग का डेफिनेशन नोट कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके वैलेंस टैग का डेफिनेशन लिख लीजिए। और वैलेंस टैग के डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ए डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर गुड हेल्थ। मीन्स हमारे बैलेंस डाइट में भोजन के सारे कंपोनेंट्स के साथ साथ रफेज और वाटर भी शामिल होना चाहिए। अब आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज रफेज। रफेज मीन्स फाइबर पार्ट, भोजन के वैसे फाइबरस पार्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में हेल्प करता है, वैसे पार्ट को रफेज कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे डाइट में वाटर की भी महत्वपूर्णता है। वाटर के एब्सेंस में हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, भोजन के पचने की क्रिया जो है नहीं हो पाएगी। और अभी अभी हमने बताया कि बैलेंस डाइट में भोजन के सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उसके साथ ही रफेज और वाटर भी चाहिए। अब आप जानने की ये चेष्टा करेंगे, आपको ये रफेज जो है एक नया शब्द मिला होगा जिसके विषय में आप पहले से नहीं जानते हैं, तो मैं अभी बता देती हूँ कि रफेज जो है भोजन के वैसे पार्ट होते हैं, फाइबरस पार्ट होते हैं जो पूरी तरह से नहीं पचते हैं और इस कारण वे हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को लेकर बाहर निकालते हैं। और इस काम में वाटर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हमारा भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करेगा, वेस्ट मटेरियल जो है वह हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा और हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इस कारण बैलेंस डाइट वैसे ही भोजन को कहते हैं जिसमें भोजन के सारे तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज और वाटर, इन सब की एक संतुलित मात्रा हो, उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आपके आगे की जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, इसलिए अब आप आगे की पढ़ाई कीजिए। आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में